नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी इस वक्त मौजूद हूँ मारवाड़ी कॉलेज के बाहर। और आज पारा शिक्षकों के लिए मानदेय में 10% बढ़ोतरी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है और इस परीक्षा में कुल 43,000 पारा शिक्षक भाग ले रहे हैं। रांची ज़िले की बात करें तो रांची ज़िले में कुल दो जगहों पर सेंटर का आयोजन किया गया है। एक तो पहला आपका मारवाड़ी कॉलेज और दूसरा सेंटर निर्मला कॉलेज में बनाया गया है। और अब छात्रों से बात करते हैं, परीक्षार्थियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी परीक्षा कैसी गई, किस पैटर्न पर, चूँकि OMR शीट पर इन्हें परीक्षा देनी थी, तो इस OMR शीट में क्या कुछ था सवाल। और अनिवार्य विषय की बात करें तो गणित विषय अनिवार्य था और भाषा में अनिवार्य भाषा अंग्रेजी थी, तो इसका चुनाव इन्हें करना ही करना था। और 250 अंकों की इस परीक्षा का पहले आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसे बदलकर 150 अंकों की परीक्षा कर दी गई। तो ऐसे में बातचीत करते हैं परीक्षार्थियों से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा पैटर्न रहा और परीक्षा में कैसे प्रश्न रहे। तो कैसा पेपर गया आप लोगों का? पेपर बहुत अच्छा गया है। पेपर बहुत अच्छा। क्या क्या मतलब कौन कौन सा अनिवार्य विषय आप लोगों के? वही अनिवार्य हिंदी, गणित, क्षेत्रीय भाषा, पर्यावरण, अंग्रेजी। अंग्रेजी भी था, अंग्रेजी भी था। 150 अंकों की परीक्षा? हाँ, 150 अंकों की परीक्षा थी। तो सारा पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? दो घंटा। तो क्या लग रहा है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, अब तक बहुत लोगों की परीक्षा ली है, आज आप लोग 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए खुद परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं इसीलिए। तो कैसा परीक्षा गया? अच्छा गया। क्या क्या मतलब कितना मतलब क्वेश्चन हार्ड था कि इजी था ऐसा? हाँ, कुछ कुछ हार्ड था, इंग्लिश और मैथ थोड़ा हार्ड लगा। इंग्लिश और मैथ हार्ड था, लेकिन दोनों ही अनिवार्य था। अनिवार्य था। चलिए, तो बेहतर जो पढ़े वो नहीं आया, पढ़ा वाला। अच्छा, पढ़ा वाला नहीं आया। तो बच्चों का दुख जो है आज शिक्षकों को समझ में आ रहा है, आया बच्चों का दुख शिक्षकों को समझ? हाँ, वो तो समझ आता है। आप आज एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम पेपर बहुत अच्छा था, नो डाउट। जो उन लोगों ने मतलब बताया था कि जैसा पूछेंगे, बस उसी के अंदर था। अब टफेस्ट पार्ट कौन सा था अगर बोला जाए? अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं। और देखा जाए तो सभी। मान लो आप नहीं पढ़े हैं, हाँ, तो फिर आपको सभी तो टफ लगेंगे ना। और अगर आपने पढ़ा है तो सही है। इसलिए हर वो अच्छा था, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था। तो ये जो है पारा शिक्षक जो है वो परीक्षा देकर निकल रहे हैं, कैसा पेपर रहा? पेपर तो ठीक ही था, लेकिन मुश्किल क्या रहा? मुश्किल जैसे और लैंग्वेज ठीक था, लेकिन और पेपर हार्ड था। हाँ, मैथ थोड़ा सा हार्ड लगा। जीटेस भी ये था। मैथ्स परेशान कर रहा है। हाँ, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी मैथ्स परेशान करता है। हाँ, चलिए, तो मैथ्स जो है वो परेशान कर रहा है और मैथ्स से पारा शिक्षक जो है वो परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। कैसा पेपर रहा? अच्छा रहा। इजी क्या था और हार्ड क्या था? ये जी नागपुरी था, मैथ बड़ी हार्ड था। मैथ्स हार्ड था, मैथ सबको रुला रहा है। इंग्लिश वगैरह भी हार्ड था? इंग्लिश ठीक था, मैथ्स लेकिन हार्ड। तो मैथ्स में ही सबसे ज्यादा समय लगा? हाँ, मैथ में बहुत टाइम लगा। वो मतलब आकलन का थोड़ा स्टेटस था, बहुत टेढ़ जैसा था। चलिए, ठीक है। तो पारा शिक्षकों की परीक्षा जो है वो हो गई है और मैथ्स जो है, मैथ्स से पारा शिक्षक थोड़ा सा दो चार हाथ होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मैथ्स से सभी परेशान दिखे, लेकिन परीक्षा जो है वो ख़त्म हुई और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि एक संतोष और एक खुशी जो है वो ज़रूर दिख रही है। तो फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।